Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the close packing of crystalline solid, right? Close packing of crystalline solid, right? कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है हमारा उसमें क्लोज पैकिंग कैसे होती है वो आज हमें स्टडी करना है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैकिंग, राइट? क्वेश्चन तो यही जनरेट होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट क्लोज पैकिंग, राइट? तो क्लोज पैकिंग क्या है? क्लोज पैकिंग कुछ नहीं है, हमारे मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है. सही है, क्लोज पैकिंग क्या है? तो क्लोज पैकिंग refers to tight arrangement. सही है कि हमारे जो molecules है, atom है, वो कितने arrangement रही है of sphere in a given space. In such a way that they occupy the maximum available space, and hence The crystal has maximum density. तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग. किसे बोलते हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, हमारा जो क्रिस्टल है उसमें एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या आयन होते हैं. हमने जैसे कि बात की थी कि वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एंड आयन्स भी हो सकते हैं. तो उनकी जो अरेंजमेंट है कि वो कितना टाइटली पैक है, या तो फिर उनके बीच की स्पेस कितनी है, उन्होंने पूरे हमारे शेप में कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, कितनी जगह एम्प्टी बाकी है, उस सभी की जो स्टडी है उसे बोलते हैं क्लोज पैकिंग. तो जो हमें क्लोज पैकिंग है वो पहले पढ़ना है. एक्चुअली हमारा जो भी मॉलिक्यूल होता है वो कौन सा होता है? 3D स्ट्रक्चर में होता है. वी नो दैट कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं 3D स्ट्रक्चर में होते हैं, सही, 3D में हम उसे यूज करते हैं. लेकिन 3D को डायरेक्ट समझने से थोड़ा सा टफ हो सकता है. तो हम क्या करते हैं कि हम पहले उसी अरेंजमेंट को 1D में समझेंगे, फिर 2D में समझेंगे एंड फिर किस में समझेंगे? 3D में, ताकि कि उससे समझना थोड़ा सा आसान हो जाए. तो हम क्या करते हैं, पहले बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D. सही कि क्लोज पैकिंग इन 1D, उसकी बात पहले करते हैं. चलो, अब 1D में क्या होगा? तो 1D में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होंगे उसकी बात करते हैं पहले. तो इन वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर लेटाइस पॉइंट्स are arranged in a row and touching each other. सही है, कैसे अरेंज होते हैं? तो वो 1D में एक रो फॉर्म करते हैं. क्या फॉर्म करते हैं? वो एक रो फॉर्म करते हैं. एक रो में वो लोग एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को टच हो, ऐसे अरेंज होते हैं. सपोज कि ये पहला मॉलिक्यूल हो गया हमारा,
तो दूसरा मॉलिक्यूल उसके बाजू में एक रो में आएगा, तीसरा उसके बाजू में आएगा, चौथा उसके बाजू में आएगा। सही है, मतलब वन बाय वन जो हमारे सारे लिटाइज है, एटम्स है, आयन्स है, सही है, मॉलिक्यूल्स है, वो वन रो फॉर्म करेंगे। सही है, अगर आप यहाँ पे कोई एक एटम को ले लो एज अ सेंटर एटम, यहाँ पे हम अगर इस एटम की बात करें, तो ये जो एटम है हमारा वो दूसरे दो एटम से जुड़ा हुआ है। सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा एटम है ये वाला, ये बीच का एटम, सेंटर एटम। सही है, ये जो एटम है वो जो मैंने ग्रीन कलर से प्लॉट किया है, वो एटम हमारा दूसरे दो एटम्स से जुड़ा हुआ है। सही है, एक ये साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला, और एक लेफ्ट हैंड साइड वाला। तो मतलब ये दो एटम से जुड़ा हुआ है, और अगर ये दो एटम से जुड़ा हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी 2D 1D स्ट्रक्चर है, सही है, उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा उसका। तो क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोलते हैं, तो जो भी हमारा एटम है वो दूसरे कितने एटम्स के साथ अटैच है, जॉइंट है, टच में है, सही है, उसे क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही, अगर हम ये बात कोई भी दो एटम ले ले, ये लिया उसकी जगह हमने ये ले लिया, तो ये एटम भी ये वाले और दूसरे ये वाले दो एटम से जुड़ा हुआ होगा। सही है, अगर हम ये ग्रीन वाले एटम की बात करें तो उसके दोनों साइड भी क्या होंगे, दो एटम होंगे। मतलब कि कोई भी एटम 1D में होगा, कोई भी एक एटम 1D में होगा वो दूसरे दो एटम के साथ अटैच होगा। ये पहले वाले एटम की बात, अगर हम ये ग्रीन वाले एटम की बात करें तो वो भी दूसरे दो एटम के साथ अटैच है। सही है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो गई हमारी क्या, 1D क्लोज पैकिंग। सही है, 1D में क्लोज पैकिंग हो गई हमारी, उसे आप हम वीडियो में भी देख लेते हैं एक बार। ओके, हम देखते हैं कि 1D में कैसे अरेंजमेंट होती है। ओके, 1D में तो ये सारे मॉलिक्यूल्स एक के पास एक अरेंज होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। सही है, एक तो अगर ऐसे लाइन में हम किसी एक मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर लें और उसे देखें तो वो दूसरे दो मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। सही है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1D है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 2 है, क्योंकि जो कोई भी हम अगर किसी भी एटम को सिलेक्ट करें तो वो दूसरे दो एटम के साथ अटैच है। सही है, वो दूसरे दो एटम को टच करता है, तो उसी वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम हमारे क्लोज पैकिंग इन 2D की। सही है, सेकेंड हमारा क्लोज पैकिंग इन 2D। सही है, तो 2D में जो हमारी पैकिंग है वो कैसे होगी उसकी बात करते हैं। तो जो क्लोज पैकिंग है 2D में वो 2 तरह से रिप्रेजेंट होती है। पहला तो है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सही है, कौन सी है हमारी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जो दूसरी वाली है हमारी वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सही, तो जो 2D में है उसकी जो हम क्लोज पैकिंग की उसकी अरेंजमेंट की बात करें, हमारे जो एटम्स है उसके, तो वो 2 तरह से होगी। एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अकॉर्डिंग होगी, दूसरा हेक्सागोनल के अकॉर्डिंग होगी। स्क्वायर क्लोज पैनर स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होती है, तो उसके बारे में वन बाय वन हम बात करते हैं। ओके, पहले बात करते हैं हम किसके बारे में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कि उसमें क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल कैसे अरेंज होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, उसमें अरेंजमेंट कैसी होती है। तो इन स्क्वायर
क्लोज पैकिंग, स्पीयर्स ऑफ सेकेंड रो आर एक्जेक्टली अबोव द स्पीयर्स ऑफ फर्स्ट रो। सही है, हम लिखते भी जाएंगे और उसे समझ भी ड्रॉ भी करते जाएंगे। क्या बोला गया है, इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्पीयर ऑफ सेकेंड रो आर एग्जैक्टली अबव द स्पीयर ऑफ फर्स्ट रो। सही है, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक फर्स्ट स्पीयर है। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया पहला स्पीयर, ये हो गया एक, एक दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। सपोज के पांच स्पीयर वाली एक रो ले ली, उसका नाम मैंने ये दे दिया। अब क्या बोला गया, जो दूसरी रो होगी एग्जैक्टली ये पहले वाले के ऊपर होगी, मतलब कि यहाँ पहली रो का पहला आइटम है उसके ऊपर ही दूसरी रो का पहला आइटम आएगा, दूसरे के ऊपर ही दूसरी रो का दूसरा आइटम आएगा, तीसरे के ऊपर दूसरी रो का थर्ड आइटम आएगा। सही, मतलब जो एटम हमारे पहली रो में है एग्जैक्टली उसके ऊपर ही हमारी दूसरी रो के एटम्स भी आएंगे। तो ये एग्जैक्ट पहली रो जैसा हो गया, तो ए रो भी हो गई हमारी, ए वाली रो। अब क्या है, तो जो हमारी थर्ड रो है वो कैसे अरेंज होगी यहाँ पे, तो जो थर्ड रो है वो सिमिलरली स्पीयर्स ऑफ थर्ड रो आर जस्ट अबोव सेकेंड रो एंड सो ऑन। सही है कि हम अगर उसके ऊपर एक तीसरी रो भी फॉर्म करें तो वो भी कैसी होगी, एग्जैक्ट सेकेंड रो के ऊपर, मतलब ये सेकेंड वाली है उसके ऊपर ही तीसरी रो का पहला मेट, तीसरी रो का सेकेंड, सेकेंड के ऊपर थर्ड, के ऊपर थर्ड, फोर्थ के ऊपर फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर फिफ्थ। तो एक के ऊपर एक एटम्स हो गया, मतलब ये जो है थर्ड वाली रो वो भी पहले से आइडेंटिकल है, तो ये पहले को ये सपोज किया तो ये सारी रो कैसी है ये। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए ए ए टाइप अरेंजमेंट। सही है, कौन सी टाइप की अरेंजमेंट हो जाएगी, ए ए टाइप की अरेंजमेंट हो जाएगी। अब उसके हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, हम कोई एक बीच वाला एटम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने ये बीच वाला एटम ले लिया। सही है, ये हमारा सेंटर एटम, हमने मेटल एटम को एक ले लिया। सही है, उसे हम कर देते हैं ग्रीन कलर से, सॉरी येलो, येलो से हम उसे कर देते हैं। सही है, ये हमारा हो गया सेंटर एटम। अब वो दूसरे कितने एटम से जुड़ा हुआ है उसकी बात करते हैं हम, तो वो जो एटम है हमारा वो पहला ये वाला एटम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे वो दोनों जॉइंट है। सही, ये दूसरे वाले एटम से जॉइंट हुआ हुआ है, ये तीसरे वाले एटम से जॉइंट हुआ हुआ है और ये चौथे वाले एटम से जॉइंट है। सही है, मतलब कि ये बीच वाला एटम, ये एक दो तीन और चार, चार एटम से जुड़ा हुआ है। सही है, यहाँ पे ये पहला वाला एटम, दूसरा वाला एटम, तीसरा वाला एटम, चौथा वाला एटम। तो मतलब अगर हम कोई भी यहाँ से एटम चुन ले और उसको हम क्या देखें उसका, तो कितने एटम से जुड़ा हुआ है, तो चार एटम से जुड़ा हुआ होगा। उसी वजह से हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी फोर फॉर द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सही है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, फोर। अब यहाँ पे उसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं उसकी बात करते हैं, तो जो चार एटम इस वाले एटम से अटैच है उसे हम ज्वाइन करें, तो यहाँ पे पहले और दूसरे को मैंने अटैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया, दूसरे और तीसरे को, तीसरे चौथे को
और फोर्थ है, फर्स्ट को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यू कैन सी दैट यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा फॉर्म हो रहा है, सही है, यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा फॉर्म हो रहा है। उसी वजह से उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कि ड्यूरिंग क्लोज पैकिंग एक स्क्वायर जैसा फॉर्म होता है और यहाँ पे जो एटम है, कोई भी एक एटम दूसरे चार एटम से टच होता है, उसी वजह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी चार है। और ये जो अरेंजमेंट है वो कैसे टाइप की है, ए ए ए टाइप की अरेंजमेंट है। तो ये हो गया हमारा 2D में पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, ओके। अब बात करते हैं हम हमारे दूसरे तरीके के हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, जो कि 2D का दूसरा टाइप है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सही, जो किसका पार्ट है, एक 2D का ही पार्ट है। अब उसमें अरेंजमेंट कैसे होती है उसकी बात करते हैं हम। तो इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, स्पीयर्स ऑफ सेकेंड रो फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ द फर्स्ट रो। तो ये क्या बोला गया है, उसे ड्रॉ करते हैं हम, कि जो हमारी फर्स्ट लाइन है, पहले तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करनी होगी बिफोर द सेकेंड लाइन। तो यहाँ पे पहले सपोज कि हमारी फर्स्ट लाइन है, ये वाली रही फर्स्ट मॉलिक्यूल्स, सही है, ये हमारे होंगे फाइव मॉलिक्यूल्स एक रो के, जिसे हमने क्या बोल दिया, ये बोल दिया। अब क्या बोला गया है, इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्पीयर ऑफ सेकंड रो फिट इन द डिप्रेशन ऑफ दैट फर्स्ट रो, सही है, कि ये जो फर्स्ट रो की कैविटीज दिख रही है आपको, उसमें सेकंड रो के मॉलिक्यूल स्पीयर्स क्या होंगे, अरेंज हो गए। तो यहाँ पे एक हो गया हमारा अरेंज, दूसरा होगा हमारा दूसरे में अरेंज, सही है, ये दोनों ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, ये दूसरा वाला हो गया हमारा अरेंज, अब यहाँ पे तीसरा वाला अरेंज होगा, चौथा, सही है, मतलब जो कैविटीज आएंगी वहां पे हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अरेंज होंगे। अब ये पहला वाला से दूसरा वाला लेयर डिफरेंट है, तो उसे हमने बोल दिया बी वाला लेयर। अब तीसरा लेयर कैसा होगा उसकी बात करते हैं, स्पीयर्स ऑफ थर्ड रो, स्पीयर्स ऑफ थर्ड रो फिट इन द डिप्रेशन ऑफ द स्पीयर्स ऑफ सेकेंड रो एंड each third row of spheres will be exactly the same as that of first row। क्या बोला गया है कि थर्ड कैसे फिट होगी, तो जो हमारी सेकेंड रो है, सही है, उसके फियर जो ये सेकेंड रो है उसके एटम की जो ये कैविटीज हो रही है उसमें हमारी थर्ड रो फिट होगी। और वो भी कैसे, तो जिससे वो पहली वाली रो से कैसी हो, सेम हो, मतलब कि यहाँ पे एक एटम हो गया, यहाँ पे भी एक कैविटी होगी, तो वहां पे पहला वाला एटम, ये दोनों की कैविटी में तीसरा वाला एटम, इन दोनों की कैविटी में हमारा फोर्थ एटम, सही, इन दोनों की कैविटी में एक और एटम।
मतलब कि थर्ड लाइन ए वाला जो दूसरा वाला है उसकी कैविटीज में होगी और वो आइडेंटिकल टू द ए होगी, तो उससे फिर से हम ए बोल देंगे। ऐसे अगर बी यहाँ पे फोर्थ लाइन आई तो वो किसके आइडेंटिकल होगी, बी के, सही है। तो हम ये बोल सकते हैं इसके लिए कि दिस इज अरेंजमेंट लाइक, ये कौन से टाइप की अरेंजमेंट है हमारी, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए बी ए बी टाइप। सही है, कैसे टाइप की होगी, ए बी ए बी टाइप की होगी, क्योंकि पहला ए फिर बी, फिर ए फिर बी, सही है, ऐसे ए बी टाइप की अरेंजमेंट होगी। अगर यहाँ पे कोई एक मॉलिक्यूल हम सिलेक्ट कर लें, सही है, कोई भी एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, इस मॉलिक्यूल को सिलेक्ट कर लिया और उसे हमने ग्रीन से डिनोट कर दिया, सही है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया। अब वो दूसरे कितने मॉलिक्यूल के साथ अटैच है वो अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो दूसरे कितने मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, तो ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल, ये तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा, और ये छह मॉलिक्यूल के साथ हमारा सेंटर मॉलिक्यूल अटैच है, सही है। जो सेंटर मॉलिक्यूल है वो एक दो तीन चार पांच और छह मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, तो उसके लिए जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू हो जाएगा सिक्स, क्योंकि कोई भी एक मॉलिक्यूल आप चूज करोगे वो दूसरे सिक्स मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, सही है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा क्या हमारा सिक्स। अब आप अगर इससे क्या करो, ज्वाइन करो, तो आप अगर जब इसे ज्वाइंट करोगे तो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको ज्वाइंट करने से, यहाँ पे मैंने पहले दो को ज्वाइंट कर लिया, फिर इसे इन दोनों को और इन दोनों को, तो ये सारे एटम्स जो है कोऑर्डिनेट एटम्स है उन्हें ज्वाइंट करने पे एक हेक्सागोनल जैसा फॉर्म हो रहा है, सही है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, हेक्सागोनल, और उसी वजह से, सही है, उसी वजह से इसे क्या बोलते हैं, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सही है, इसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये हमारे सारे सिक्स एटम्स हो गए, और उनको ज्वाइंट करने से हेक्सागोनल फॉर्म हो गया, सही है, जो कि हमारे कौन से एटम से जुड़ा हुआ है, ये बीच वाला एटम है उससे जुड़ा हुआ है, ओके, तो ये आपको बात समझ में आ गई, ये हमारा हो गया 2D स्ट्रक्चर, सही है, 2D क्लोज पैकिंग, उसमें पहली टाइप थी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो आपको 1D और 2D समझ में आ गया, ओके, तो इस 2D को भी हम बाय वीडियो थ्रू भी एक बार देख लेते हैं, ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द 3D क्लोज पैकिंग, ओके। हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की, सही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सीट फॉर्म करनी है और उसे एक दूसरे पे ऐसे अरेंज करना है कि मिनिमम स्पेस बचे, तो वो अरेंजमेंट दो तरह से हो सकती है, ए ए ए फॉर्म में और दूसरी ए बी ए बी ए बी फॉर्म में। जो ए ए वाली है उसे बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग और जो दूसरा है उसे बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, उसमें क्या होगा, तो ये हमारी एक लाइन सही है हमारे मॉलिक्यूल्स की, उसके ऊपर जो दूसरी लाइन होगी वो ऐसे आएगी कि एग्जिट होएगी, पहले के ऊपर ही एग्जिट दूसरी होगी, मतलब पहला ए है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही है। उसके अगर ऊपर हम तीसरी लाइन प्लॉट करें तो वो भी एग्जैक्टली ऊपर ही होगी, सही है, तो वो भी ए हो जाएगी, ऐसे फोर्थ भी ए वाली होगी, तो ए ए टाइप की ये क्या हो गई, क्लोज पैकिंग, ए ए टाइप की अरेंजमेंट हो गई, सही है। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमने ले लिया बीच का,
तो वो दूसरे चार मॉलिक्यूल से क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर हम उन चार मॉलिक्यूल को अटैच जॉइन करें तो वो क्या, एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। उसी वजह से उसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहते हैं। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा चार, क्योंकि वो दूसरे चार मॉलिक्यूल्स से जुड़ा हुआ है। ओके, अब बात करते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। तो वहाँ पे पहले की जो गैप है उस कैविटी में वो दूसरी वाली लाइन आके अरेंज होगी, तो वो दूसरी अरेंजमेंट हो गई, तो उसे डिनोट करेंगे बी से। अगर पहली ए है तो दूसरी हो जाएगी हमारी बी। अब जो तीसरी होगी वो एग्जैक्ट ए की जैसी होगी, जो बी की कैविटीज़ में अरेंज होगी, सही है। उसके ऊपर फोर्थ आएगी बी टाइप की, जो ए की कैविटीज़ में अगेन क्या हो जाएगी, तो अरेंज होगी, सही है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि ये जो अरेंजमेंट है, इट्स अ ए बी टाइप अरेंजमेंट, जहाँ पे पहला और तीसरा सेम है, फिर दूसरा और चौथा सेम है, सही है। तो ये ए बी टाइप अरेंजमेंट हो गई। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल सिलेक्ट करते हैं, तो वो देख सकते हैं दूसरे कितने मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, छः मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हो जाएगा सिक्स। अगर हम इन सिक्स मॉलिक्यूल्स को जॉइन करें तो वो एक क्या फॉर्म करेगा, हेक्सागोनल फॉर्म करेगा, सही है। यहाँ पे एक हेक्सागोनल फॉर्म हो रहा है, उसी वजह से उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया 2D डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। दो तरह से होती है, एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरी होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो स्क्वायर है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर चार था, और जो हमारा वहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा था, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा, और यहाँ पे एक हेक्सागोनल फॉर्म होगा। ओके, तो ये 2D अरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं हम हमारा तीसरे क्लोज पैकिंग की, थर्ड टाइप के, जो के है क्लोज पैकिंग इन थ्री डायमेंशन, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, सही है। क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूल होता है वो भी क्या होता है, थ्री डायमेंशन में ही होता है। तो जो 3D में पैकिंग होती है वो तीन तरह से होती है। ओके, फर्स्ट होती है हमारी प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरी होती है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, सही है, और तीसरी हमारी होती है फेस सेंटर क्यूबिक सेल, सही है। तो इससे बोलते हैं हम HCP भी बोलते, और ये हो गया हमारा FCC, फेस सेंटर क्यूबिक सेल, और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब जो ये प्रिमेटिव क्यूबिक सेल है, वो आप हम लोगों ने जो हमारा 2D डायमेंशन था उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि हमारे पास जो 2D है उसमें दो तरह के थे, एक तो AAA टाइप का था, सही है। किसमें बात कर रहे हैं हम, 2D डायमेंशन में, कि हमने दो तरह के वहां पे भी क्लोज पैकिंग देखी थी। एक थी हमारी AAA टाइप की क्लोज पैकिंग, और दूसरी थी हमारी AB टाइप की क्लोज पैकिंग, सही है। तो जो हमारी लाइन थी, हमारा 1D था, उससे हमने ग्रो किया तो 2D फॉर्म हुआ, सही है। कि हमारा 1D था, हमारा 1D क्या था, तो एक लाइन थी, ये हो गई हमारी एक लाइन, सही है। अब उसी 1D को हमने क्या किया, तो एक 1D दूसरा 1D ऐसा करके हमने एक के ऊपर एक रखते गए, मतलब कि हमारे 1D को हमने ग्रो किया और इंक्रीज किया। अगर एग्जैक्ट एक के ऊपर एक रख दिया तो हमें क्या मिल गया, AA टाइप का मिल गया, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट थे सेम जैसे। अगर हमने उसी 1D को क्या किया, उस गैप में रखा, पहली सीट के गैप में रखा, सही है, और फिर से दूसरे को उसी के गैप में रखा, उसके डिप्रेशन में रखा, सही है। तो जो मिला हमें वो क्या था, ए बी ए, फिर से ऊपर आ जाएगा बी, तो ऐसे ए बी टाइप का हमें क्या मिला,
तो 2D डायमेंशन क्लोज पैकिंग मिला, सही। अब आप यहाँ पे अगर देखो तो 3D देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा AAA टाइप का क्लोज पैकिंग था और ABAB टाइप का था, तो इसमें क्या था, तो इसमें ज्यादा क्या है, स्पेस है, मोर एम्प्टी स्पेस, सही है। आप देख सकते हो मैं दो मॉलिक्यूल्स, चार मॉलिक्यूल्स ही जूम करके दिखाती हूँ सिर्फ आपको, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, एक्सेट उसके नीचे दूसरे दो मॉलिक्यूल्स, मतलब AA टाइप का जो है ये चार मॉलिक्यूल को मैंने जूम कर लिया है, सही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बीच में चार मॉलिक्यूल के बीच में एक एम्प्टी स्पेस बच रही है, सही है। यहाँ पे जो ये एम्प्टी स्पेस है, और यहाँ पे आप देखो कोई भी तीन मॉलिक्यूल लो, सही है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल सपोज फर्स्ट के हैं और उसी के जो डिप्रेशन के बीच में थर्ड मॉलिक्यूल है, सही है, मतलब यहाँ की जो एम्प्टी स्पेस है, सही है। तो एज कंपेयर टू इससे क्या है, लेस है, लेस एम्प्टी स्पेस, सही है। मतलब कि जब हम 2D में अरेंज करते हैं तो वहां पे दो मॉलिक्यूल्स, दो लेयर्स के बीच में, दो स्पीयर्स के बीच में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस बच जाती है, क्योंकि स्पीयर है तो ऐसा नहीं है कि जो पूरी जगह होगी वो फिलअप हो जाएगी, वो वहां पे थोड़ी थोड़ी जगह क्या रह जाएगी, एम्प्टी। वो किस पे डिपेंड करती है, उनकी अरेंजमेंट पे, कि वो कैसे कितनी ज्यादा स्पेस रहेगी, सही। यहाँ पे अगर देखो तो आपको कुछ ऐसी तरह की स्पेस दिख रही है, सही, और यहाँ पे किस तरह से है, ऐसे कुछ तरह से है, मतलब यहाँ की जो स्पेस है वो इस स्पेस से क्या है, ज्यादा है। तब जब AAA टाइप का हमारे पास हुआ, ये AAA टाइप का जो हमारा 2D स्ट्रक्चर है उसमें मोर स्पेस है एज कम्पेयर टू AB टाइप के स्ट्रक्चर में, सही है। अब ये जो स्पेस बचती है, सही है, जो एम्प्टी स्पेस है उसे क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वॉइड। तो यहाँ पे जितने वॉइड ज्यादा होंगे, सही है, जितनी स्पेस ज्यादा होंगी, मतलब कि वो हमारे मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लूज पैक्ड है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ओके, इतनी अच्छी तरह से पैकिंग नहीं हुई है, जितनी स्पेस ज्यादा होंगी, सही है, उसकी वजह से क्या होगा, तो हमारा पैकिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो थोड़े से लूज हो जाएंगे, सही। तो ये जो हमारा वॉइड है यहाँ पे, तो हमें ये अब तो क्या देखना है, 3D के बारे में स्टडी करनी है। तो 3D में जो हमारा प्रिमिटिव है वो किससे बनेगा, AA टाइप से बनेगा, AAA टाइप से हमारा क्या बनेगा, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल बनेगा। हम वीडियो में भी देखेंगे और फिर इसे पढ़ेंगे भी, तो आपको बहुत ज्यादा ख्याल आएगा, लेकिन सिर्फ मैं उसके पहले आपको जो चीज इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहती हूँ कि वो पैकिंग कैसे स्टार्ट होती है। तो AAA के ऊपर अगर आप एक सीट हो गई, सही है, 2D की, उसके ऊपर आप दूसरी सीट रखोगे, तीसरी, मतलब उसे अगर ग्रो करोगे तो एक क्यूब जैसा बन जाएगा, सही है, एक सिंपल वाला क्यूब, तो उसी को बोलेंगे हम क्या, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल। वो किससे बनेगा, जो हमारी AA 2D पैकिंग है उसी से फॉर्म होगा, सही है। तो आगे बात करते हैं, अब हो गई हमारे पास दूसरी ABAB टाइप की। अब जो ABAB टाइप की है उसी से ये दोनों फॉर्म होंगे, ABAB जो हमारी 2D वाली है, सही है, हमारा 2D क्लोज पैकिंग ABAB टाइप का है, उससे क्या फॉर्म होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होगा 3D में, और फेस सेंटर क्यूबिक सेल भी होगा उसी से फॉर्म। वो कैसे होता है वो समझने के लिए ही मैं आपको क्या समझा रही हूँ, ये वॉइड समझा रही हूँ, ओके। तो जब आप क्या करोगे, तो ये हमारा एक वॉइड हो गया, ऐसे तो यहाँ बहुत सारे वॉइड है, और हमें क्या करना है, तो दूसरी सीट को उसके ऊपर ही रखना है। तो जब आप उसके ऊपर दूसरी सीट रखो, और शायद ए एटम दूसरी सीट का ऐसे हो कि बैठा ये जो हमारा वॉइड है वो क्या करे, पूरी तरह से ढक दे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे वॉइड इस तरह से ढक दे। तो जो उसके ऊपर वो दूसरी सीट हम रखते हैं वो मैं दिखाऊंगी कैसे फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, ओके। तो यू विल गेट
मोर आइडिया अबाउट दैट, वीडियो भी देखेंगे हम उसके रिलेटेड. ओके, तो मतलब जब हम किसी वॉइड के जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है 2D में, उसमें से 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करने जाते हैं. किसकी बात कर रहे हैं? एबीएबी टाइप में. तो उसी वजह से जब दूसरी उस पे लेयर फॉर्म होता है तो वो दो तरह के वॉइड फॉर्म करते हैं. क्या करते हैं? दो तरह के वॉइड फॉर्म करते हैं. एक तो होता है टेट्राहाइड्रल वॉइड और दूसरा होता है हमारा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड. ऑक्टाहाइड्रल वॉइड. तो हम पहले वॉइड्स के बारे में देख ले. ओके, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट दैट 3D स्ट्रक्चर्स. क्योंकि 3D जो डायमेंशन है, 3D में जो क्लोज पैकिंग है, उसमें जो ये वॉइड्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ओके, तो उसी वजह से हम 3D क्लोज पैकिंग देखने से पहले वॉइड को स्टडी कर लेते हैं. ओके, तो वॉइड क्या है, किस तरह से होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं. आपको पता तो चल गया, रफ आइडिया तो मिल गया होगा कि वॉइड क्या है. तो जब भी हम मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट करते हैं तो बीच में स्पेस रह जाती है. उसी एम्प्टी स्पेस को, जो एम्प्टी स्पेस है उसे क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं. ओके, और वो दो तरह के मिलेंगे हमें, टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड. ओके, एक्चुअली इसे भी हम बोल सकते हैं ट्राइंगुलर वॉइड, क्योंकि उसका शेप किसके जैसा है? ट्राइंगल जैसा है. तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगुलर वॉइड्स. ओके, चलो तो हम बात करते हैं वॉइड की. ओके, तो बात कर लेते हैं वॉइड्स की. डेफिनेशन लिख लेते हैं वॉइड्स की पहले. वॉइड्स क्या है? इन ऑल द पॉसिबल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ लेटाइस पॉइंट देयर रिमेन्स some vacant space between the spheres, राइट. कि जैसे हमने देखा कि जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं तो स्पीयर्स के बीच में क्या होती है? वैकेंट स्पेस बच जाती है. दिस एम्प्टी स्पेस आर नोन एज वॉइड्स, और इट्स ऑल्सो नोन एज इंटरस्टिशियल. सही है, इंटरस्टिशियल, INTERSTITIAL. ओके, इंटरस्टिशियल. एंड दे हैव टू टाइप्स. ओके, दे हैव टू टाइप्स. फर्स्ट टेट्राहाइड्रल वॉइड एंड दूसरा है हमारा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स. ओके, दो तरह के होते हैं हमारे. एक तो टेट्राहाइड्रल वॉइड होता है और दूसरा होता है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड. वो कैसे फॉर्म होता है वो पहले हम देख लेते हैं. ओके, मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड फॉर्म होंगे. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक 2D अरेंजमेंट ले ली है. सही है, ये हो गया हमारा ए हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा फिर से ए. ओके, ए एक लेयर हो गया. अब उसके ऊपर हमें क्या करना है? तो एक दूसरा लेयर फॉर्म करना है. ओके, वो दूसरा लेयर भी कैसे टाइप का होगा? हमारा एबीएबी टाइप का ही लेयर होगा. ओके, जब हम उस दूसरे लेयर को इसके ऊपर अरेंज करेंगे. ओके, कैसे अरेंज करना है देख लेते हैं हम. तो ये मैंने यहाँ पे दूसरा लेयर भी रख दिया है. ओके, ये जो नीचे वाला था हमारा वो पहला लेयर है जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया है. दूसरा वाला है वो क्या है? मैंने बॉल पेन से ड्रॉ किया हुआ है. अब जब हम पहले लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखते हैं तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे जो हमारे पहले वाले के वॉइड्स थे, सही है, पहले वाले के वॉइड्स कैसे थे? कुछ इस तरह से वॉइड्स थे. सही है, कुछ स्पेस थी. कैसे? ट्राइंगुलर शेप की, ट्राइंगुलर वॉइड्स थे.
सही है, किसके लिए? तो फर्स्ट लेयर के लिए। अब जब दूसरा लेयर हमने रखा तो उसमें से कुछ लेयर पूरी तरह से दूसरे लेयर से ढक गए, जैसे कि आप देखो यहाँ पे देख सकते हो, मैं उसे कलर कर देती हूँ सो यू विल गेट मोर आइडिया अबाउट दैट। ओके, ये जो है वो क्या है, तो पूरी तरह से ढक गया है। किससे? तो उसके ऊपर वाले एटम से, सही है? क्योंकि ये जो ब्लू आप देख रहे हो वो तो क्या है, एक स्फीयर है, एक कैसा, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है वो, तो मतलब सॉलिड स्फीयर है, तो मतलब कि ये पूरा वॉइड उससे ढक जाएगा, ये पूरा वॉइड क्या हो जाएगा, ढक जाएगा उससे, सही है, ये पूरा वॉइड उससे ढक गया। जबकि हमारे कुछ वॉइड्स ऐसे भी है जो इन अरेंजमेंट में रह भी जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, तो देखो यहाँ पे कुछ स्पेस छूटी हुई है, सही है, मतलब ये वाला वॉइड जो था वो पूरी तरह से यहाँ पे ढका हुआ नहीं, ये जो ग्रीन वाला मैं कर रही हूँ वो वॉइड पूरी तरह से ढका नहीं है, जबकि ये जो नीचे वाला येलो वाला है वो पूरी तरह से ढक चुका है, सही, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पूरी तरह से नहीं ढका, ये पूरी तरह से नहीं ढका है, सही है, ये भी पूरी तरह से नहीं ढका है, और जो ये सारे हैं वो कैसे हो गए हैं, तो पूरी तरह से उसके नीचे आ गए हैं, मतलब हमें दिखाई देना बंद कर देगा, सही, कि ये जो वॉइड्स है वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे, तो मैं उनको आपको जूम करके दिखाऊंगी, जो दिखाई देना बंद हो गए है वो वॉइड्स कैसे फॉर्म होंगे, और जो दिखाई दे रहे लेकिन वो ट्रायंगुलर शेप में नहीं दिखाई दे रहे वो वॉइड्स कैसे होंगे, उसको देखने की ट्राई करते हैं। तो अगर हम ये देखें कि जो वॉइड पूरी तरह से नहीं दिख रहे उसकी कैसी यहाँ पे अरेंजमेंट हो रही है, तो सपोज है मेरे पास कोई एक, ये पहला वॉइड, सही है, ये पहले लेयर के वॉइड है, सॉरी पहला लेयर हो गया जिसका ये ट्रायंगुलर वॉइड था। अब हमने क्या किया, दूसरा लेयर का एटम बिल्कुल उसके ऊपर आ गया, क्या हो गया, बिल्कुल उसके ऊपर, ये नीचे के लेयर में है, सही है, और ये ऊपर के लेयर में है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अगर इन सबको जोड़ो तो ये नीचे वाले में ट्रायंगुलर शेप जैसा बनेगा, सही है, नीचे में कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर शेप बनेगा, और ये जो एटम है ये पूरा आप जो सॉलिड स्फीयर देख रहे हो, डॉटेड लाइन वाला नहीं, जो सॉलिड वाला है वो तो कहा है उसके अबव प्लेन में है, सही है, तो अगर हम उसे जोड़े तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, सही है, और ये जो फिगर है वो किसके जैसे फिगर है, टेट्राहाइड्रल जैसी है, किसके जैसी है, टेट्राहाइड्रल जैसी है, तो उसी वजह से ये जो स्फीयर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जो वॉइड फॉर्म हो रहा है, ओके, वो सामने से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो वॉइड कैसे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे वॉइड तो है ही क्योंकि वो स्पेस भरने वाली नहीं है, लेकिन वो हमें दिखता बंद हो गया है, ओके, जब हमने दूसरा लेयर रखा तब, लेकिन वो जगह तो वहीं की वहीं है, सही है, तो वो कैसे बन रहा है, तो यहाँ पे जो तीन थे हमारे मॉलिक्यूल्स फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स एटम जो भी आप बोलो, ओके, तो उसे अगर हम ज्वाइंट कर ले तो वो तीनों कैसे है, एक ही प्लेन में है, तो उसे हमने क्या कर लिया, सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर दिया, वो तीनों कैसे है, तो एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्म कर रहे हैं। अब उसके ऊपर जो दूसरा लेयर रखा वो तो उसके दूसरे प्लेन में है, उसके अबोव वाले प्लेन में है, पहले वाले प्लेन से ऊपर वाले प्लेन में है, तो क्या हो जाएगा, उसको हमने डॉटेड लाइन से क्या किया, ज्वाइन किया, तो वो कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, तो ये पहले वाले तीन है, सही है, ये हमारे पहले वाले तीन है जो एक प्लेन में है, सही है, ये पहले वाले तीन स्फीयर और उसके मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन किया वो, और उसके बीच में ये क्या रह गई गैप, उसी गैप के बीच में जो हमारा दूसरा वाला था वो एग्जिट ऊपर आ गया, सही है, तो ऐसे फॉर्म हो गया। अगर आप उसे देखो अब तो क्या करेंगे, अब अगर हम उसे सबको ज्वाइंट कर दे तो वो कैसी एक फिगर फॉर्म होगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो फिगर होगी एक टेट्राहाइड्रल जैसे फिगर फॉर्म होगी, एक मिनट, यहाँ पे कि वो फिगर कैसी फॉर्म हो रही है, टेट्राहाइड्रल जैसे फिगर फॉर्म होगी, देख सकते हो ये किसके जैसा दिख रहा है, टेट्राहाइड्रल जैसा दिख रहा है, ओके,
तो उसी वजह से ये टेट्राहाइड्रल जैसा फॉर्म होने की वजह से उस वॉइड को क्या बोलेंगे हम, टेट्राहाइड्रल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेट्राहाइड्रल वॉइड। जबकि आप ढके हुए वॉइड के बारे में बात करो तो वो कैसे दिख रहे हैं, तो देखो ढका हुआ एक वॉइड ले लेते हैं हम, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, तो देखो नीचे वाले ये एक, ये दो और ये तीन, तीन है मॉलिक्यूल्स, और उसी के एग्जैक्ट ऊपर अपोजिट ट्राइंगल में दूसरे तीन मॉलिक्यूल है। मतलब वो हमारा वॉइड कैसे फॉर्म हो रहा है, तो सपोज कि ये हमने ले लिए तीन, सही है, पहला स्पीयर, ये दूसरा स्पीयर और ये हमारा तीसरा स्पीयर, सही। वो किसका है? हमारा तो पहले लेयर का है। अब दूसरे लेयर के स्पीयर कैसे है, तो एग्जैक्टली अपोजिटली ऊपर अरेंज हुए हैं। मतलब कि ये एक वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, सही है। तो आप देखो तो कुछ ऐसा फॉर्म हुआ, पहले एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ, वो कौन से, तो पहले वाले लेयर में था। फिर दूसरा एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ जो कैसा, दूसरे वाले लेयर में था। अगर आप इन सब को ज्वाइंट करो, ओके, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल, सही है। ऑक्टाहेड्रल की आप जो फॉर्म करते थे फिगर, उसका शेप तो ऐसे ही कुछ बनाते थे, सही है, कि तीन मॉलिक्यूल से एक जगह पे, दूसरे तीन एक जगह पे। तो यहाँ पे जो हमें मिल गया कि ये जो येलो वाले हैं उसे क्या बोलेंगे हम, टेट्राहेड्रल वॉइड, सही है। ये जो ढक जा रहे हैं दूसरे लेयर से उसे क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और ये जो हमारे रह रहे ग्रीन वाले, सही है, उसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, आई बात समझ में? तो ऐसे दो तरह के वॉइड फॉर्म होते हैं। जब एबी एबी टाइप के वन लेयर के ऊपर हम दूसरा लेयर एबी एबी टाइप का रखते हैं तो हमें दो तरह के वॉइड मिलते हैं, ओके, एक तो ऑक्टाहाइड्रल और दूसरा होता है टेट्राहाइड्रल। तो उसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम 3D के ऊपर जाते हैं, ओके, थ्री डायमेंशन के ऊपर। तो ऑक्टाहाइड्रल एंड जो टेट्राहाइड्रल हमारे वॉइड फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते, ओके। ये हो गया हमारा मेन फिगर, उसमें से ये टेट्राहाइड्रल का फिगर हो गया और ये हो गया हमारा ऑक्टाहाइड्रल का फिगर, ओके। फर्स्ट डिस्कस अबाउट द टेट्राहाइड्रल वॉइड्स। अ वॉइड सराउंडेड बाय फोर स्पीयर्स लाइंग अलोंग द सेंटर ऑफ द टेट्राहाइड्रॉन इज कॉल्ड अ टेट्राहाइड्रल वॉइड, सही है। कि अगर हम टेट्राहाइड्रॉन फॉर्म करें, टेट्राहाइड्रॉन, तो उसके जो कॉर्नर्स है उसपे क्या होंगे, फोर स्पीयर्स होंगे, और उन्हीं फोर स्पीयर्स के थ्रू क्या होगा, एक वॉइड फॉर्म होगा, एम्प्टी स्पेस फॉर्म होगी, और उसी एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रल वॉइड। अ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्पीयर ऑफ अ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड अबोव द ट्राइंगुलर वॉइड्स ऑफ द फर्स्ट लेयर, राइट। हमने आगे भी देखा कि जो पहला लेयर है उसका जो ट्राइंगुलर वॉइड फॉर्म हो रहा था, सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डॉटेड लाइन वाली है वो क्या है, हमारा पहला वाला लेयर, उसका ये ट्राइंगुलर लेयर फॉर्म हो रहा था, सही है, ट्राइंगुलर वॉइड, और उसी के एग्जेक्ट ऊपर हमने दूसरा वाला लेयर रख दिया, सही है। अ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्पीयर ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड अबव द ट्राइंगुलर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, सही है। फर्स्ट के जो ट्राइंगुलर वॉइड था उसके ऊपर जब हमने दूसरा वाला स्पीयर रख दिया लेयर, तब जो वॉइड फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड बोलते हैं, ओके। द नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड वो कितने होंगे, तो टू इंटू एन जितने होंगे, सही है। जो भी कोई भी आप अगर सॉलिड की बात करो तो उसमें हमारे कितने नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड है वो कैसे पता चलेगा, टू इंटू एन। एन क्या है, तो नंबर ऑफ लेटाइस पॉइंट पर यूनिट सेल। आपने पढ़ा है कि यूनिट सेल में डिफरेंट डिफरेंट लेटाइस सेल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपने यूनिट सेल पढ़े हैं, ओके। तो जितने नंबर ऑफ हमारे पास लेटाइस पॉइंट होंगे हमारे यूनिट सेल में, उसे आपको दो से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड। और जो हमारा कोऑर्डिनेट नंबर है टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए वो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वॉइड दूसरे चार एटम से
टच में है, तो उसी वजह से वो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो जाएगा। होगी तो ये दोनों फिगर किसकी है, टेट्राहाइड्रल वॉइड की। सही है, ये जो होल है वो हो जाएगा हमारा टेट्राहाइड्रल वॉइड, टेट्राहाइड्रल वॉइड, और ये जो है वो एक्चुअली टेट्राहाइड्रॉन की है। सही है, ये शेप ऐसा फॉर्म होगा जब आप इन चारों को ज्वाइन करोगे। तो ये हो गया हमारा टेट्राहाइड्रल वॉइड। अब बात करते हैं हम ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की। ओके, नाउ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, अ वॉइड सराउंडेड बाय 6 स्फीयर। टेट्राहाइड्रल में 4 स्फीयर थे, ऑक्टाहाइड्रल में कितने होंगे, 6 स्फीयर। अलोंग द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑक्टाहाइड्रल इज कॉल्ड अ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। जब हम ऑक्टाहाइड्रॉन फॉर्म करें तो उसके जो 6 कॉर्नर है उसमें 6 स्फीयर हो, तो उस 6 स्फीयर के थ्रू जो वॉइड फॉर्म होगा उसे बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। All the void of first layer which remain unoccupied from octahedral void, के first layer जो है हमारा उसके जो layers जो हमारे voids थे triangular void, वो triangular shape में नहीं रहेंगे लेकिन कैसे हो जाएंगे, unoccupied ही रहेंगे पूरी तरह से, जैसे tetrahedral में cover हो जाते थे वैसा यहाँ पे नहीं होगा। कैसे form होते हैं, it is formed when two ट्राइंगुलर voids of two adjacent layer combine in opposite direction, कि हमारे पास क्या है, दो layers है, तो पहले का पहला ट्राइंगुलर void, दूसरे layer का एक ट्राइंगुलर void, मतलब दोनों क्या हुए, दूसरे हमारे दोनों layers के हमने एक एक ट्राइंगुलर void ले लिया है, उसे ऐसे combine करना है कैसे, opposite side में। उसी वजह से हमने बोला कि एक अगर ऐसी direction है तो दूसरे हमें कैसी direction में लेने, और इन दोनों को अगर आप एक के ऊपर एक रख दो तो बीच में थोड़ी सी गैप रह ही जाएगी और उसी को बोलेंगे ऑक्टाहाइड्रल void। जो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल voids है वो कितने हो जाएंगे, n, और n हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ lattice पॉइंट पर यूनिट सेल। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स होंगे उससे डबल क्या होंगे, हमारे टेट्राहाइड्रल वॉइड होंगे हमारे किसी भी सॉलिड में। नाउ कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड इज 6, क्योंकि वहां पे 6 एटम्स की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डॉटेड लाइन वाला है वो हमारा क्या है, पहला लेयर है, उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे एक एटम ऊपर है, दो एटम नीचे है, तो हमने दूसरा वाला कैसे लिया है, दूसरा लेयर ऐसे रखा है कि दो एटम ऊपर हो एक एटम नीचे हो, तो यहाँ पे बीच में एक स्पेस रह जाएगी। सही है, जो दोनों लेयर के आने के बाद भी रह जाती है उसी स्पेस को क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसी स्पेस को क्या बोलेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ओके, नाउ उसे आप अगर ज्वाइंट करोगे तो एक ऑक्टाहाइड्रॉन जैसा फॉर्म होगा, ऑक्टाहेड्रॉन जैसा फॉर्म होगा। ओके, और यही फिगर को मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये नीचे के 3 ये ऊपर के 3, तो बीच में ये जो आप पिंक जैसे कलर से देख रहे हो वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है और वो हमारा वॉइड है। ओके, डू यू गेट इट। तो ये हो गया हमारा ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड। वॉइड है जो एम्प्टी स्पेस बच जाती है पैकिंग के दौरान। सही है, सॉलिड के जो सॉलिड फॉर्म होता है हमारा, तब जो उसके एटम मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट के दौरान जो एम्प्टी स्पेस बच जाती है उसी को वॉइड बोलते हैं। वो ऐसे एक लेयर की बात करो तो ट्राइंगुलर वॉइड फॉर्म होते हैं, और अगर उसके ऊपर दूसरा लेयर रखो तो आपके ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल वॉइड फॉर्म होंगे। अब हम बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं हमारे 3D डायमेंशन की। सही है, तो यहाँ पे हमने बात की थी स्टार्टिंग में, जो तो प्रिमेटिव क्यूबिक सेल है वो किससे फॉर्म हो रहा है, ए ए ए से फॉर्म हो रहा है। अब ये इन दोनों की बात करनी है, तो ये कब फॉर्म होगा, एबीएबी टाइप से फॉर्म होगा, किससे, एबीएबी टाइप से, दोनों एबीएबी टाइप से ही फॉर्म होंगे, तो डिफरेंस क्या होगा उसमें। ये एबीएबी 2D लेयर की बात कर रही हूं। ओके, एबीएबी 2D लेयर और एएए 2D लेयर से वो फॉर्म होंगे उसकी बात कर रही हूं। ओके, तो जब हमने बोला कि यहाँ तो हमें क्या करना है, हमें 2D लेयर को ग्रो करना है, सिर्फ ऐसा थोड़ी ना है सिर्फ दो लेयर रखने, उसके ऊपर तो फिर से तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, बहुत सारे लेयर्स रखने हैं। तो जब हम दूसरे के ऊपर, जब पहले के ऊपर हमने तीसरा लेयर रखा तो हमारे पास दो वॉइड्स फॉर्म हुए। सही है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड।
अब उसी टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के अकॉर्डिंग हमारे दो डिफरेंट तरह के ये क्या होंगी, क्लोज पैकिंग फॉर्म होंगी। जो हमारा हेक्सागोनल है उसमें क्या हो जाएगा, तो हेक्सागोनल तब फॉर्म होता है जब हमारा जो तीसरा लेयर है, सही है, वो ऐसे सेट किया जाए ताकि, तो जब टेट्राहाइड्रल वॉइड हमारा कवर होगा, सही है, तीसरा लेयर रखने से ऐसे अरेंज करना है जिससे टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या हो जाए, कवर हो जाए, तब हमें मिलेगी जो पैकिंग वो क्या हो जाएगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और जब हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है वो कवर हो जाए, ऐसे रखेंगे, तो वो हमें पैकिंग मिलेगी, वो कैसी होगी, फेस सेंटर क्यूबिक सेल जैसी होगी। ओके, उससे पहले हम वीडियो में देखते हैं, फिर उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसे ध्यान से पूरे वीडियो को देखना स्लो में। ओके, बिल्कुल भी ध्यान यहाँ वहाँ मत होने देना, तभी आप समझ पाओगे कि 3D स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो बहुत ही ध्यान से देखना इसे। ओके, देखो यहाँ पे हमने बात की थी कि हमारे पास जो दो तरह के होते हैं, ओके, ए बी टाइप की पैकिंग, ए बी और ए ए टाइप की, तो ए ए टाइप का जो स्क्वायर है उसके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, और ये जो हेक्सागोनल वाला हमारा क्लोज पैकिंग था उसकी ये है। ओके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस में होती है, ए ए ए टाइप में, और हेक्सागोनल ए बी ए बी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा हेक्सागोनल है वहाँ की जो स्पेस है वो क्या है, कम है, और उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, तो वॉइड्स बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो ये 3D डायमेंशन के स्ट्रक्चर्स कैसे फॉर्म होते हैं, उन 2D डायमेंशन के स्ट्रक्चर को ग्रो करके। ओके, तो उसे आपको देखना है, बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखना। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, पहला ए ए ए टाइप का 2D स्ट्रक्चर। अगर हम उसी के ऊपर हमारा क्या करें, दूसरा एक लेयर फॉर्म करे एग्जैक्ट उसके पैरेलल, ओके, ए के ऊपर दूसरा ए वाला सीट एग्जैक्ट हम मैच करें, ओके, तो पहला वाला ये है, ये दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा हमारा ए, मतलब अगर हम तीसरा भी रखें तो उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, फोर्थ भी ऐसे, तो ये जो पूरा क्यूब हमारा फॉर्म हो रहा है, जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है, उसका कोई एक एटम की बात करें हम पर्टिकुलर एटम की, तो वो जो एटम है वो दूसरे कितने एटम से सराउंडेड थे, 6, एक चार खुद के प्लेन के, एक ऊपर का प्लेन का, एक नीचे का प्लेन का, ओके, मतलब उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाएगा, जो हमारी पैकिंग फॉर्म हुई है उसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा, 6, कब, ए ए ए ए टाइप की में। ओके, तो जब हम एक के ऊपर एक पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं और जो हमें 3D स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसा हो जाए, ए ए टाइप का। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा क्यूबिक सेल है, ओके, ये ऐसा एक क्यूबिक सिंपल सेल मिलेगा, उसे बोलते हैं प्रिमिटिव सेल और सिंपल क्यूबिक सेल। आई बात समझ में, मतलब ये जो सिंपल क्यूबिक सेल है वो ए ए ए टाइप की अरेंजमेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे ए बी टाइप के अरेंजमेंट की। जो ए आप देख रहे हो वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, किसके लिए, 2D के लिए, ए बी टाइप वाला। अब उसके ऊपर हमने दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर रखना है, ओके, तब हमें क्या मिलेगा, तो हेक्सागोनल ही मिलेगा, लेकिन वो दो तरह से रख सकते हैं हम। ओके, कैसे रखना है देखते हैं। पहला हमने लेयर ले लिया है, किसका है, ए बी टाइप का है, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, हमारे 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। ओके, उसके आप ये वॉइड्स देख रहे हो, ट्रायंगुलर वॉइड। अब हम जब उसके ऊपर दूसरा लेयर रखेंगे, वो भी किसका, ए बी का। ओके, पहला लेयर भी किसका है, ए बी टाइप का है, दूसरा लेयर भी हमें किसका रखना है, ए बी टाइप का ही दूसरा लेयर रखना है। तो जब एक अकेला एक लेयर था तो आपने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे ट्रायंगुलर वॉइड्स थे, सही है, लेकिन जब हमने दूसरा उसके ऊपर लेयर रखा तो वो जो देखो जो ट्रायंगुलर वॉइड्स बहुत सारे थे उसमें से कोई तो क्या हो गए, दिखाई नहीं दे रहे, जो दिखाई दे रहे हैं वो भी सारे ट्रायंगुलर शेप में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, वो हमने फिगर में बात की है इसके बारे में। ओके, बाई फिगर हमने ये बात समझने की ट्राई की है कि कुछ वॉइड्स दिखना बंद हो जाते हैं और कुछ वॉइड्स क्या होते हैं, तो दिखाई देते हैं। तो ये जो वॉइड्स है दो तरह के हमें मिले,
एक तो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और दूसरा कौन सा मिला, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। ओके, जब हमने एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रखा ए बी टाइप का, तब हमें दो तरह के वॉइड्स मिले थे। उसमें हम बात करते हैं पहले टेट्राहाइड्रल वॉइड की, उसमें क्या था, तो पहले लेयर में 3 मॉलिक्यूल्स और उसके ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर हमने तीसरा मॉलिक्यूल रखा, दूसरे लेयर का एक मॉलिक्यूल रख दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक ट्राइंगुलर फॉर्म हो रहा है और उसके बीच का जो वॉइड है उसे अगर आप देखोगे वो कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि ये चारों स्पीयर को आप ज्वाइन करोगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, टेट्राहाइड्रल जैसा फॉर्म करेगा। ओके, यहाँ पे अंदर आप देख सकते हो फिगर में, हमारा जो वीडियो चल रहा है उसमें, तो उसी वजह से उसे क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रल वॉइड। सही है, ये चारों स्पीयर को हमने ज्वाइन किया तो टेट्राहाइड्रल मिला, मतलब ये टेट्राहाइड्रल। अब ऑक्टाहाइड्रल की बात करते हैं, ऑक्टाहाइड्रल कैसे फॉर्म होता है, तो पहला एक लेयर 3 वाला, दूसरा एक लेयर 3 वाला, लेकिन दोनों को अपोजिट में रखना है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, सही है, पहले जो हमारा सीधा ट्रायंगल है, दूसरा हमारा उल्टा ट्रायंगल है, उसके बीच में जो फॉर्म हो रहा है वॉइड वो क्या होगा, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इन 6 मॉलिक्यूल को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑक्टाहाइड्रल जैसा फॉर्म हो रहा है। ओके, यू कैन सी दैट हियर कि एक ऑक्टाहाइड्रल जैसा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, उसी वजह से उसे क्या बोलेंगे, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड बोलेंगे हम। ओके, तो अब हमें जो तीसरा लेयर है वो ऐसे रखना है कि जिससे पहले इस तरह से रख सकते हैं कि जैसे टेट्राहाइड्रल वॉइड कवर हो जाए, दूसरा ऐसे रख सकते हैं जैसे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कवर हो जाए। तो पहले देखते हैं कि टेट्राहाइड्रल वॉइड कवर हो उस तरह से तीसरा लेयर रखने पे क्या होता है। ओके, तो जो तीसरा लेयर है हमने ऐसे रख दिया है कि हमारा टेट्राहाइड्रल वॉइड वहाँ से क्या हो रहा है, कवर हो रहा है। तो पहला ए था, दूसरा बी, तीसरा जो आया वो कौन से टाइप का आया, ए टाइप का आया। मतलब जो हमारा तीसरा 3D में जो दूसरा क्लोज पैकिंग है वो कैसा हो जाएगा, ए बी टाइप का हो जाएगा। पहला वाला था ए ए ए टाइप का 3D स्ट्रक्चर, दूसरा वाला हो गया ए बी टाइप का, तो उसे क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसे क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगर आप उसके कोई एक सेंटर एटम की बात करो तो उसके ही लेयर में 6 एटम, ऊपर में 3 नीचे में 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम टच होंगे वो कितने होंगे, 12। अब ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कवर हो जाए, ऐसे हम रखते हैं तीसरा लेयर। तो जब हम ऐसे तीसरा लेयर रखेंगे तो आप देख सकते हो कि जो हमारी पैटर्न है वो पहले वाले से भी मैच नहीं हो रही, दूसरे वाले बेस से भी नहीं। मतलब कि पहला ए हो तो दूसरा बी और तीसरा हो जाएगा हमारा सी। सही है, क्योंकि वो दोनों से मैच नहीं कर रहा। तो जो चौथा आएगा वो अगेन किसके जैसा होगा, ए जैसा होगा। सही है, तो ये पैटर्न हमारी कहलाएगी ABC पैटर्न। ओके, जब ऑक्टाहाइड्रल कवर हो ऐसे हम रखेंगे तो ABC पैटर्न फॉर्म होगी हमारी। ओके, और उसे बोलेंगे फेस सेंटर क्यूबिक सेल। उसे क्या बोलेंगे, फेस सेंटर क्यूबिक सेल। उसमें अगर आप बात करो तो जो भी एक बीच का एटम है उसके सराउंड में उसी के लेयर के 6, उसके ऊपर वाले के 3 और उसके नीचे वाले के 3, मतलब यहाँ भी टोटल 12 नंबर होंगे, तो उसका कोऑर्डिनेशन हो जाएगा 12। यहाँ पे ABAB का आप शेप कैसे आ रहा है वो देख लो, ये ABAB अरेंजमेंट है, उसका एक पोर्शन ले लिया है, दूसरा ABC है। जब ABAB को आप सिंपल वे में लेके जाओगे तो आप देखोगे कि जब आप सिंपल वे में उसे फॉर्म करते हो, यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक हेक्सागोनल। राइट, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हेक्सागोनल जैसा एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसी वजह से उसे बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, जो ABAB टाइप की क्लोज पैकिंग है उसे बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बात करते हैं हम ABC अरेंजमेंट की। तो ABC अरेंजमेंट में जब आप उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की ट्राई करोगे तो यू विल गेट द फेस सेंटर क्यूबिक सेल। सही है, उसे आप एकदम सिंपल करोगे, ये जो हमारा ABC अरेंजमेंट है उसे, तो यू विल गेट, यू कैन सी दैट के कॉर्नर पे 8 एटम है और सारे फेस पे एक एक एटम है। मतलब ये हमारा कौन सा है, फेस सेंटर क्यूबिक सेल है। आई बात समझ में? तो ABC से हमें FCC सॉलिड मिलेगा। ओके, FCC टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी आपको। आई बात समझ में?
तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से, आपने देखा हो, अगर आपको समझ ना आया फिर से एक बार वीडियो रिवाइज़ करो, ओके, बैक में जाओ और फिर से आप देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इमेजिनेशन आपको चाहिए, ओके, इस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि ये 3D में जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, वो समझने के लिए एक इमेजिनेशन पावर चाहिए हमें, ओके। तो जब ये इमेजिनेशन पावर आप डेवलप करोगे तो आप उसे बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ओके। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। अगर आपको थोड़ा बहुत टफ लगे तो फिर से इसी वीडियो को आप रिवाइज़ करके देखो, ओके, पूरे वीडियो को चाहे आप रिवाइज़ करके देख सकते हो। अगर आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप रिवाइज़ करके देखो ना, यू विल अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स, ओके। सो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ आएगा आपको, तब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, ओके। आई थिंक फ्रॉम द वीडियो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हमारा जो 3D स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म होता है, उसकी डिटेल हम एक बार देख लेते हैं, ओके। जो 3D स्ट्रक्चर है उसमें पहला होता है हमारा क्लोज पैकिंग, प्रिमेटिव क्यूबिक सेल टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग और सिंपल क्यूबिक सेल, राइट। उसमें क्या होता है, ईच लेयर ऑफ द लैटाइस इज टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सही है, प्रिमेटिव में जो टू डायमेंशनल की स्क्वायर क्लोज पैकिंग का हम यूज करते हैं, ओके। थ्री डायमेंशनल लेटाइस इज ऑब्टेन्ड बाय द स्टेकिंग टू डायमेंशनल लेयर वन अबव द वन, राइट। अगर हम उसी टू डायमेंशन, वो भी कौन सी वाली, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ग्रो करें, तो हमें क्या मिलेगा, 3D स्ट्रक्चर मिलेगा। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर स्पीयर ऑफ ईच लेयर आर एग्जैक्टली वन ओवर अदर। सही है कि यहाँ पे वो कैसे अरेंज होंगे कि एक के ऊपर एक पूरा लेयर हो, ऐसे वो लोग अरेंज होंगे, ओके। ताकि क्या हो पाए, ऑल द लेयर्स हैव द सेम अरेंजमेंट। सही है, उससे क्या होगा, जो सारे लेयर्स है उसकी अरेंजमेंट सेम होगी। एंड दस दिस लेटाइस इज कॉल्ड AAA टाइप ऑफ लेटाइस और इट्स ऑल्सो नोन एज अ सिंपल क्यूबिक सेल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। सही है, तो ये जब हम 2D का AAA डायमेंशन को ग्रो करेंगे तब जो हमें 3D डायमेंशन मिलेगा वो भी कौन सा होगा, AAA टाइप का ही होगा, ओके। तो स्क्वायर हमारा क्लोज पैकिंग से हमारा AA टाइप का सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल फॉर्म होता है, ओके। यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर दिखोगे तो यू विल गेट 6। कैसे 6 होगा, तो ये सपोज कि हमारा जो एक सेंट एटम है उसके एक साइड एक, उसके दूसरी साइड एक, उसके चारों साइड, मतलब उसी के प्लेन में चार, उसके नीचे एक होगा और इसके ऊपर एक होगा। सही है, एक प्लेन में ही चार होंगे, एक ऊपर एटम होगा, एक नीचे एटम होगा, मतलब टोटल उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6 आएगा, ओके। चलो अब बात करते हैं हमारे दूसरे 3D स्ट्रक्चर की, जो क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सही है, उसे HCP भी बोल सकते हैं। ईच लेयर ऑफ लेटाइस हैज टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो हमारा क्यूबिक था सिंपल क्यूबिक, उसमें स्क्वायर क्लोज पैकिंग यूज की, इसमें कौन सी होगी, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मतलब कि AB वाली पैकिंग हमने यूज की है 2D की, ओके। इट इज मेड 3D बाय पैकिंग लेयर ऑफ द स्पीयर वन ओवर द अदर। सही है कि एक के ऊपर एक ऐसे हेक्सागोनल की पैकिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3D मिलेगा स्ट्रक्चर। नाउ उसे कैसे पैक करना है उसके बारे में बात कर ले है। तो सेकंड लेयर प्लेस्ड ऑन फर्स्ट, सो टू टाइप्स ऑफ वॉइड फॉर्म। सेकंड लेयर ऐसे फॉर्म करना है फर्स्ट के ऊपर कि जैसे हमें टू लेयर मिले, वॉइड्स मिले। सही है, कौन सा, एक तो टेट्राहाइड्रल वॉइड मिले, दूसरा कौन सा मिलेगा हमें, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, अपने वीडियो में भी देखा है और उसके पहले हमने डिस्क्रिप्टिव भी उसे पढ़ा है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, ओके। तो उस तरह के दो डिफरेंट तरह के वॉइड फॉर्म हो, ऐसी तरह से हमें सेकंड लेयर को पहले के ऊपर रखना है। फिर तीसरा लेयर कैसे रखना है, तो जो तीसरा लेयर है वो ऐसे रखना है जिससे वो एक टेट्राहाइड्रल वॉइड क्या हो जाए, उसके नीचे कवर हो जाए। सही है, कवरिंग द टेट्राहाइड्रल वॉइड हमें थर्ड वाला लेयर रखना है। ये जो थर्ड लेयर है इट्स बिकम आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर, वो फर्स्ट लेयर जितना जैसा ही होगा। सही है, और इसी तरह हमें फिर दूसरा, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, ऐसे लेयर्स अरेंज करने चाहते हैं।
तो यू विल गेट द एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. कैसे अरेंजमेंट मिलेगी हमें? एबी टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी और उसी को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ पे एक हेक्सागोनल आप देख सकते हो. अब उसके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 12 होंगे. कैसे होंगे? तो सपोज के हमारे पास क्या है, तो ये एक बीच का एटम, उसके साथ उसी के हमारे क्या हो जाएंगे, तो 6 एटम्स उसी के प्लेन के हो जाएंगे. जो एक है वो उसके अबोव वाले प्लेन में होगा, उसमें 3, और जो नीचे है उसमें भी 3 होंगे, लेकिन वो कौन सा होगा, उल्टा वाला होगा, नहीं सीधा वाला, सॉरी यहाँ पे सीधा वाला ही होगा क्योंकि हेक्सागोनल है, तो यहाँ पे दोनों सेम तरह के होते हैं, तो यहाँ पे भी होगा सीधा वाला. तो ये जो एटम है उसकी बात करें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जो 6 मॉलिक्यूल्स थे उसी के एटम के है, उसी के प्लेन के है. 3 ऊपर वाले है, 3 नीचे वाले है, मतलब टोटल 6 और 6 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा उसका, 12. ओके, तो ये हो गया हमारा एससीपी. अब हम हमारे तीसरे 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कि है क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ओके, और उसे बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक, मतलब वो हो जाएगा FCC. ओके, तो ईच लेयर ऑफ लेटाइज हैज 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. सही है, इसमें भी कौन सी होगी, हेक्सागोनल टाइप की, मतलब एबी टाइप की ही उसमें 2D अरेंजमेंट को यूज करेंगे. ओके, कैसे यूज करना है वो देखते हैं कि सेकेंड लेयर प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर टू फॉर्म अ 2 टाइप ऑफ वॉइड. यहाँ पे भी सेकेंड ऐसे ही हमें करना है ताकि हमें क्या, 2 तरह के वॉइड मिले, एक तो टेट्राहाइड्रल वॉइड और दूसरा मिले ऑक्टाहाइड्रल वॉइड. लेकिन जो तीसरा है वो ऐसे हमें उसके ऊपर रखना है ताकि जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए. ओके, अबोव सेकेंड लेयर थर्ड लेयर प्लेस्ड ओवर द ऑक्टाहाइड्रल वॉइड. ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कवर हो जाए उस तरह से हमें थर्ड लेयर रखना है. तो उससे क्या होगा, जो थर्ड लेयर है वो हमारे फर्स्ट लेयर और जो सेकेंड लेयर है दोनों से क्या होगा, डिफरेंट होगा. अगर पहले 3 लेयर डिफरेंट है तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ एबीसी टाइप. सही है, और ये जो हमारा फॉर्मेशन है वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. क्या कहलाएगा, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर. ओके, यहाँ पे अब हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वो भी 12 आएगा. कैसे, तो सपोज हमारा कोई एक मॉलिक्यूल है, एक, उसमें कैसे पैकिंग होती है, तो ये 5 और ये 6, समझ लो ये 6 है. ओके, अब एक आएगा ऐसे, दूसरा आएगा उसके अपोजिट, और फिर से यहाँ पे होगा हेक्सागोनल. तो ऐसे 3 लेयर फॉर्म होते जाएंगे, 3 डिफरेंट लेयर. सही है, सपोज ये ए हो गया तो ये बी हो गया और ये सी, फिर से ऊपर ए. ओके, अब यहाँ के आप किसी भी एक एटम की बात करो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे फिर से ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा. सही है, ए से पहले क्या आएगा, सी आएगा. सी यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने सी बी ड्रॉ कर लिया है. ओके, यहाँ पे बी होगा फिर से, तो ये हो जाएगा बी. ऐसे कंटिन्यू रहेगा हमारा. तो अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो सी के प्लेन के 6 मॉलिक्यूल्स एटम से या मॉलिक्यूल से 4, 5, यहाँ पे 6. ओके, और जो हमारा ऊपर है उसमें 3 है, नीचे है उसमें 3 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम जिसके साथ वो अटैच है बीच वाला वो कितने हो जाएंगे, 12. तो ये हो गया हमारा कौन सा, FCC. ओके, तो यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन थे, हमने 1D में अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग देखी, फिर 2D में देखी, फिर 3D में देखी, साथ में हमें वॉइड्स के बारे में भी देखा. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, उसे आप ध्यान से देखना. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे कॉमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.